यूपी के लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र में घर में घुसकर युवक ने नाबालिग से पहले छेड़छाड़ करने की कोशिश की। आपको बता दें कि नाबालिग के परिजनों ने युवक पर नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। नाबालिग के परिजनों ने बताया कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी युवक ने उनके साथ हाथापाई और गाली गलौज किया। वही नाबालिग के परिजन जब दो दिन पहले थाने में आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर देने गए तो सिपाही ने थाने के गेट पर ही तहरीर ले ली और गेट से उन्हें भगा दिया। वहीं पुलिस ने अब तक मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। आपको बता दें कि सोमवार को फिर नाबालिग के परिजन मामले को लेकर थाने पहुंचे। मेरे साथ मम्मी पापा नहीं थे और हमारे साथ जोर जबरदस्ती रात को कर रहा था। उसके बाद भाग गए, गाली दिया, धमकी दे रहा था। मारा मम्मी, हमारे साथ में एक लड़का है, ऐसे घटना कर रहा था। मम्मी आपको हमने संदेशा दिया, तब तक यह घर से निकल गया। हाँ, हमने बगल में शादी में गए थे, हमने घर में नहीं थे। हमारी लड़की साथ में ऐसे जबरदस्ती पकड़ के बाँ घीच रहा था। हालांकि लड़की तो भाग गया, हमारे आने समय में वो लड़का नहीं था। थाने में पहुँचे तो थाने में हमने रिपोर्ट डाली।